है एवरीवन, दिस इज डॉक्टर अंजलि। वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड आई होप गाइस यू आर डूइंग वेल। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसा सीरप के बारे में, ऐसा पर्टिकुलर सीरप जो आपके खून को साफ करने में बहुत मददगार है, यानी क्या एज अ ब्लड प्यूरिफायर की तरह बहुत ही अच्छा काम करता है। ये है विजल का सारसा सीरप। बहुत ही अच्छा सीरप है अगर आपके खून में टॉक्सिक्स प्रेजेंट है, यानी कि हानिकारक पदार्थ प्रेजेंट है, जिस वजह से आपको तमाम लक्षण आपको देखने को मिलेंगे, यानी कि अगर आपको बहुत ज़्यादा फोड़े फुंसी रहते हैं, एक्ने पिंपल्स की शिकायत रहती है, आपकी स्किन बहुत ही ज़्यादा अनहेल्दी सी रहती है, आपके स्किन पर अगर आपको फंगल इन्फेक्शन की प्रॉब्लम है, सोराइसिस की प्रॉब्लम है, स्किन इरप्शंस होते हैं दोस्तों, तो उन सभी के लिए बहुत ही अच्छा एक ब्लड प्योरीफायर की तरह काम करता है। आपके खून को प्योर करने में, आपके खून को साफ करने में बहुत ही अच्छा सीरप है दोस्तों। तो इसके बारे में आज हम बात करते हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि मैं आपको इसमें इसके प्राइस भी आपको मेंशन कराऊंगी, आपको इसकी क्वांटिटी बताऊंगी, यानी कि किस किस क्वांटिटी में प्रेजेंट रहता है, क्या इसके एमआरपी प्राइस आपको मिलेगी मार्केट में, साथ ही साथ दोस्तों आपको इसको कैसे इस्तेमाल करना है, किन किन केसेस में आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, वो सभी मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो जल्दी से शुरू करते हैं आज का वीडियो। शुरू करने से पहले, if you are watching my channel first time, so please subscribe to my channel and press the bell icon for your daily notification. So let's start it. So ये सारसा सिरप विजल कंपनी का आता है। इसकी तीन जो दोस्तों इसकी तीन टाइप की क्वांटिटी अवेलेबल है। एक होती है दोस्तों 450 ml की, यानी कि 450 ml की जो है दोस्तों क्वांटिटी अवेलेबल है। एक होती है दोस्तों 200 ml के अराउंड ये अवेलेबल होता है, और एक 110 ml अराउंड ये होता है। तो आप इसे किसी भी साइज का परचेस कर सकते हैं। साथ ही साथ इसकी प्राइस आपको जो है दोस्तों, जो आप 450 ml का परचेस करेंगे तो उसकी प्राइस आपको 300 अराउंड आराम से दोस्तों मिल जाएगी, विच इज अ वेरी अफोर्डेबल है। तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि कहाँ केसेस में आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर दोस्तों आपको स्किन से रिलेटेड कोई भी समस्या है, यानी कि अगर आपको सोराइसिस की प्रॉब्लम है, आपको फंगल इन्फेक्शन की प्रॉब्लम है, अगर आपको एक्ने और पिंपल्स बॉयल्स हमेशा आपके चेहरे पर बने रहते हैं, यानी कि अगर आपको फोड़े फुंसी की प्रॉब्लम है, आपको बॉयल्स हमेशा बने रहते हैं, तो उस वजह के लिए बहुत अच्छा है। साथ ही साथ उनमें से बहुत ज़्यादा मावाद का फॉर्मेशन होता है दोस्तों, तो उसके लिए बहुत अच्छा है। आपकी स्किन बहुत ही ज़्यादा अनहेल्दी रहती है, अनक्लियर रहती है, आपकी स्किन पे हमेशा ही पिंपल्स बने रहते हैं, चाहे वो फेस पे हो, चेस्ट पे हो, फोरहेड पे हो, आपके बैक रीजन पे, बटक्स रीजन पे अगर आपको पिंपल्स की, एक्ने की शिकायत होती है दोस्तों, बॉयल्स की शिकायत होती है, तो उन सभी के लिए बहुत ही अच्छा काम करता है। आपके खून को साफ करने में मदद करता है, यानी कि आपके खून अगर इनप्रॉपर है, यानी कि उसमें टॉक्सिक्स प्रेजेंट है, तो उनको रिमूव करने में, हमारे शरीर से हानिकारक जो टॉक्सिन्स है उनको रिमूव करने में बहुत ही मददगार है दोस्तों। इस साथ फ्रेंड्स, आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करने में भी इसका बहुत ही अच्छा काम है, यानी कि अगर आपको पर्टिकुलर कोई भी स्किन डिजीज है, यानी कि अगर आपको एक्जिमा की ही शिकायत है दोस्तों, फंगल इन्फेक्शन की प्रॉब्लम है, तो उस समय हमें होता क्या है, खून साफ होगा, आपकी इम्यूनिटी बराबर होगी दोस्तों, तो ये स्किन डिजीज बहुत ही जल्दी क्योर हो सकती है। तो उन कंडीशन के लिए दोस्तों आप एक ब्लड प्योरीफायर का जरूर इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि ये ब्लड प्योरीफायर आपकी इम्यूनिटी को, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, साथ ही साथ आपकी स्किन को जो भी अनटॉक्सिक सब्सटेंस प्रेजेंट है, आपके खून के अंदर जो भी इनप्योर मटेरियल्स प्रेजेंट है, तो उस खून को साफ करने में, उन प्रॉपर सब्सटेंस को रिमूव करने में हमारे शरीर से बहुत अच्छा काम करता है। अगर आपको इनप्रॉपर मेंसेस होते हैं, इरेगुलर मेंसेस होते हैं ड्यू टू द हार्मोनल चेंजेस की वजह से, उस वजह से अगर आपको एक्ने पिंपल्स की शिकायत रहती है, तो आपके खून को साफ करने में भी दोस्तों इसका बहुत अच्छा काम है। अगर आपको स्किन पे खुजली बनी रहती है, बहुत ज़्यादा इंटेंस इचिंग होती है, रैशेस पड़ जाते हैं, बहुत ज़्यादा लाल कलर की आपकी स्किन हो जाती है, जब भी आप इसे खुजालोगे दोस्तों, अर्टिकेलिया की समस्या, तो उन स्किन इरप्शंस के लिए भी बहुत अच्छा काम करती हैं। साथ ही साथ दोस्तों, इसमें बहुत अच्छी अच्छी इफेक्टिव मेडिसिन, होम्योपैथिक मेडिसिन इसके अंदर डली हुई हैं, जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, इसके अंदर बहुत ही अच्छी होम्योपैथिक मेडिसिन हैं, जैसे कि इसमें सल्फर मेडिसिन है। सल्फर दोस्तों बहुत ही स्पेसिफिक मेडिसिन होती हैं, आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा काम करती हैं। अगर आपको स्किन पर बहुत ज़्यादा इचिंग महसूस होती है, बर्निंग जलन महसूस होती है, खुजली रहती है, तो उन सभी के लिए बहुत अच्छा काम करती हैं। साथ ही साथ अगर आपको स्किन पर एक्जिमा की समस्या है, तो उसके लिए भी बहुत अच्छा काम करती हैं। सेकेंड हमारी मेडिसिन जो इसमें डली हुई है, वो है इचिनेशिया। इचिनेशिया दोस्तों हमारी इम्यूनिटी को, हमारी रोग प्रतिरोधक जो क्षमता होती है उससे बढ़ाती है। साथ ही साथ हमारी इचिनेशिया हमारी इचिंग की केसेस में बहुत अच्छा काम करती है। तो इचिनेशिया बहुत ही अच्छी, एक तरह से आप इसे एंटीबायोटिक की तरह भी आप इसे जज कर सकते हैं। तो एंटीबायोटिक मेडिसिन होती है, तो आपकी शरीर में से जो भी इम्प्योर मटेरियल्स है, तो उसको रिमूव करने में बहुत मददगार। साथ ही साथ इसमें डला हुआ है दोस्तों एजार्डियाटा मेडिसिन। एजार्डियाटा मेडिसिन दोस्तों नीम से बनी हुई मेडिसिन है, और आपको पता ही है कि नीम हमारी
बॉडी के लिए कितना ही अच्छा होता है। स्पेशली हमारी स्किन डिजीज के केस में हम नीम का इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारे लोग, पूर्वज लोग हमें कहते भी थे कि दोस्तों ये नीम जो होता है एक एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी के साथ होता है, तो दोस्तों हमारी स्किन पे जितने भी इरप्शंस बने हुए हैं, हमें चाहे वो हमें सोराइसिस की प्रॉब्लम हो, फंगल इन्फेक्शन की प्रॉब्लम हो, तो उन सभी के लिए दोस्तों नीम का बहुत अच्छा रोल होता है। तो एज़ारियाटा मेडिसिन दोस्तों नीम से बनी हुई है, तो ये मेडिसिन भी दोस्तों इसमें डली हुई है, साथ ही साथ इसमें कई अन्य मेडिसिन भी डली है, पैरेला मेडिसिन भी इसमें डली हुई है। ये भी बहुत अच्छी मेडिसिन होती है आपकी स्किन पे इरप्शंस के लिए। तो ओवरऑल दोस्तों इसमें सारी ही इस टाइप की मेडिसिन डली हुई जो आपके ब्लड को प्योरीफाई करेगी, आपकी अगर आपको स्किन से रिलेटेड कोई भी समस्या है दोस्तों, तो उन सबको आपके खून को प्योर करने के लिए बहुत ही अच्छा सिरप है। सारसा सिरप बहुत अच्छा है, आप इसका इस्तेमाल ज़रूर कीजिए, तो आप बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे अगर आपको किसी भी टाइप के स्किन इरप्शंस है उसमें दोस्तों। तो फ्रेंड्स, एट द लास्ट हम बात करते हैं कि आप इसे कैसे इस्तेमाल करेंगे, यानी कि हाउ टू यूज़ दिस सारसा मेडिसिन। तो इसको आपको 1 टीस्पून जो है 3 times a day लेना है, यानी कि अगर इसे आप 1 चम्मच जो है भर के दिन में 3 बार आप इसका इस्तेमाल कीजिए। अगर आप छोटे बच्चे को देना चाहते हैं तो इसका हाफ डोज दीजिए, यानी कि आधा चम्मच जो है दोस्तों दिन में 3 बार उन बच्चों को आप दे सकते हैं। तो बड़ों के लिए 1 टीस्पून और छोटे बच्चों के लिए 1/2 टीस्पून का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये विजल कंपनी की है दोस्तों, विजल भी बहुत अच्छा ब्रांड है होम्योपैथी का, बहुत ही अच्छे इसके प्रोडक्ट्स भी हैं। तो ये सारसा सिरप भी बहुत अच्छे रिजल्ट आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, आज से वीडियो को मैं यहीं पर ही एंड करती हूँ, और आशा करती हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। और अगर आपको मेरा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, पास में ही बेल आइकन या सभी आप जरूर प्रेस कीजिए ताकि आपको आने वाले अपकमिंग वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो मिलते हैं जल्दी एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।